तो दोस्तों आज मैं आपके साथ एक छोटा सा अपना छोटा सा बिल्कुल ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरा बेटा जो है वो 10th में बहुत बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है, यानी उसके 94% नंबर आए हैं। इसके लिए हम बहुत खुश हैं। तो अब एक छोटी सी पार्टी करने लगे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। चीटिंग कर रही है। पूरा मत खोलना, बस दिखा। ओके तेज कर दूंगा ना फिर। मैंने चेंज कराई थी टॉपिक्स अपने अकॉर्डिंग, इसलिए अच्छी। ठीक है, ओके। हेलो दोस्तों, तो आज हम पार्टी कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है मेरे बेटे का 10th का रिजल्ट आ गया है। और बहुत बहुत अच्छे नंबरों से ये पास हुआ है, 94%। वाओ, तो उसकी खुशी में एक तो ये चीटिंग डाइट होगी मेरी, और दूसरा ये पिज्जा। पिज्जा, बड़ी देर बाद खाने लगी हो पिज्जा। आप भी खा लो, आओ मेरे साथ, और साथ में और मेरा बेटा भी साथ में है। तो एक तो ये मेरी चीटिंग डाइट है, और दूसरा ये मेरे बेटे की 10th का रिजल्ट आ गया है, तो उसकी खुशी में हम लोग ये पिज्जा खाने लगे हैं। एंजॉय द पिज्जा। तेज कर दी नाम खाने। पनीर टिक्का है। किस चीज पे फोकस करना चाहता है? मेरे पे एक्चुअली पता क्यों नहीं करता, जैसे हम आगे कर देते हैं फिर वो उस पे फोकस करता है, फिर पीछे करता है, वो टाइम लग जाता है। तो फाइनली हमारी पार्टी हो चुकी है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बेटा जो है कि 10th में बहुत अच्छे नंबर उसके आए। तो उसके लिए मैंने थोड़े दिन उसे रोक के रखा हुआ था क्योंकि सेहत ठीक नहीं चल रही थी। तो मैंने उसे कहा थोड़ा सा हम ठीक हो जाए तो एक अच्छी सी पार्टी करेंगे। तो आज वो पार्टी हो गई, इंजॉय हो गया। अब फिर से स्टार्ट हो जाएगी मेरी DIP डाइट, और मुझे कम से कम 10-15 दिन अब कोई भी ऐसी चीटिंग डाइट नहीं करनी है। एंड ओके, ये छोटा सा ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था अपना। बाय बाय, लव यू ऑल।